really well, and we have Sharma ji with us. We are thankful. Should I speak about the collection? Ashk? This is an album. Roshan SRK Media Entertainment. And through him, we are releasing this Ashk. This is written by Sayyed Khamar Minto, who is a prominent writer in Middle East, and he's doing very well. He's a senior advisor in Writers Forum Kuwait also. What we are planning, we are planning a bunch of many, many, many more albums through taking media, Writers Forum from all over Middle East, and then we are keeping this in future more alive and happy. As it's a romantic poetry, we would like to just mention that love should be always there in life. It's only love, love, love. And Ghazal says love, romance, romantic poetry. I'd like to ask Mr. Jaswinder, please, few words about. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद रविंद्र सिंह जी को संचारी जी को कि इन्होंने बहुत अच्छी एल्बम की है. मैंने सुनी है एल्बम, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं. एंड बड़ी अच्छी बात है कि आज के ज़माने में यंग ही सच यंग डायनामिक अपकमिंग आर्टिस्ट जो इतना अच्छा कंपोज करते हैं, शेर व शायरी को समझते हैं और गज़ल गाना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट में रह के, कुवैत में रह के ये गज़ल की सेवा करना चाहते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक गज़ल इन्होंने मुझसे गवाई. इट इज़ अ वेरी नाइस कॉम्पोजिशन, बहुत अच्छी पोइट्री. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू SRK फॉर लॉन्चिंग दिस एल्बम, फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू लॉन्च अ गज़ल एल्बम. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे फंक्शन में. अश्क गज़ल एल्बम है और इस गज़ल एल्बम को कंपोज किया है मेरे भाई ने, रविंद्र सिंह जी ने, जो गज़ल की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है. बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं और सिर्फ कंपोज ही नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छा गाया भी है. कुछ गज़लें गाई हैं, कुछ डुएट गाई हैं संचारी जी के साथ में, बहुत अच्छा गा रही हैं. एंड
इसमें जो पोइट्री है वो बहुत अच्छी है, पोइट्री है, इट इज़ अ रोमांटिक पोइट्री, और जैसे आप अश्क से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कोई ऐसा नहीं कि भाई इट इज़ अ वेरी सैड एल्बम। अश्क जो है दो मौक़ों पर अश्क आता है हमें, एक तो जब हम दुखी होते हैं, है? जब जुदाई होती है अपनी महबूबा से, हम दूर होते हैं तो हमारी आँखें भर जाती हैं, लेकिन जब विसाले यार होता है, जब हम अपने महबूब से मिलते हैं तो भी खुशी के आंसू होते हैं। सो दिस इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ लव, अपने जो अंदर के जज्बात हैं वो इस गज़ल एल्बम के ज़रिए बयां होते हैं। तो सर जो ये अश्क गज़ल है, ये गज़ल को लेकर आपको कितने एक्साइटेड हैं? नहीं, डेफिनेटली आज के दौर में जितनी गज़ल एल्बम्स रिलीज़ होंगी उतना अच्छा होगा, और गज़ल का दौर जो है वो फिर से लौट रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो हैं लोग गज़लों को सुनना चाहते हैं, नए नए फनकारों को सुनना चाहते हैं। गज़ल लाना, देखिए हनी सिंह, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हर जॉनरा का एक अपना मूड होता है, अपनी लाइकिंग होती है, अपने फैंस होते हैं, लेकिन गज़ल का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और गज़ल एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर किसी को लग जाए तो वो जहन से निकलती नहीं, वो आपके दिल से होती हुई आपके रूह में उतर जाती है। आपने भी पूछा यो हनी सिंह वाली बात जो बोली है, मैं सर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सर गज़ल तो गाते ही हैं, उसके अलावा बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं अपने आप में, और बड़े इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, और इंग्लिश गाने वगैरह काफ़ी। तो अभी मैंने खुद भी मैंने रिसेंटली एक फिल्म की है, वो दिलेर मेहंदी जी के लिए मैंने छोटा सा एक कंपोज़ किया, उसमें मैंने खुद रैप गाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस वी वॉन्ट टू कीप दिस गज़ल अलाइव, दिस रोमांस, दिस लव, दिस टीयर्स, this heartful energy, this expression, we want to keep it alive for long time and long and long time. This is what Jaswinder ji is doing. बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और it's a pleasure and blessing from him that he is here and I'm just supporting them, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, they genuinely deserve, so I'm just here to support them. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों के गाने इस तरह से बिजनेस करते हैं, एल्बम के गाने से बिजनेस नहीं कर पाते, देखिए इट डजंट मैटर एनीथिंग बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन कम्युनिटी विच लाइक द गज़ल्स, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे हैं कि गज़ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए है, कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास चीज़ें होती हैं, तो ये उन्हीं में से एक चीज़ है, और ये हमेशा रहेगी, हमारा ये सोचना है, हमारा ये मानना है। उसके अलावा म्यूज़िक से हम लोग हैं ही, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं म्यूज़िक में। देखिए आज ऑल ओवर वर्ल्ड गज़ल के बहुत से कॉन्सर्ट्स होते हैं, और इसी से साबित होता है कि लोग गज़लों को बहुत पसंद करते हैं, गज़ल को सुनना पसंद करते हैं, अच्छी शेर व शायरी को सुनना पसंद करते हैं, नहीं तो देखिए कोई आता नहीं है कॉन्सर्ट के लिए, तो अगर ऐसे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर गज़ल। गज़ल की बात करें, कितने गाने होंगे, किस तरह के होंगे? ये जो कलेक्शन है, ये आपने पहले ही बताया कि ये सैयद कमर मिंटू साहब हैं, एक राइटर हैं, उन्होंने लिखे हैं, मिडिल ईस्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, राइटर्स फोरम में काफ़ी एक्टिव हैं, और ये जो अश्क जो इन्होंने, इससे पहले एक गज़ल एल्बम हमने बनाई है, उसका नाम था जज्बात, वो आप यूट्यूब में कभी भी देख सकते हैं जज्बात, और ये अश्क जो है इसमें 6 गज़लों का ये संग्रह जिसे कह सकते हैं, इसमें जो है जसविंदर जी एग्री हुए गाने के लिए, एक गज़ल उन्होंने बहुत अच्छी गाई है हमारे साथ, बाकी 2 ड्यूएट हैं हमारे, और बाकी 2 मैंने सोलो गाई हैं इसमें, तो मुझे ये लगता है कि ये अश्क में जो एक कतरा होता है, एक छोटा सा जो कतरा होता है आंसू का, उसके बारे में बहुत डिफाइनली, बहुत डीपली इसको डिफाइन किया राइटर ने, तो उसकी कंपोजिशन हमने उसी हिसाब से तैयार की है, थोड़ा सा हल्का सा फ्यूजन टाइप इसमें म्यूजिक डाला है जिससे कि लोग इसे पसंद करें। मैम, आपके गज़ल जो अश्क गज़ल है, इसकी बात करें तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, किस तरीके की गज़ल और कितने प्रकार की गज़ल, इसमें सबसे टॉप मोस्ट गज़ल कौन से होंगे? सबसे बेहतरीन गज़ल डेफिनेटली वही होगी जो जसविंदर जी ने गाई है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑफ गज़ल है आज की डेट के, वो तो डेफिनेटली उनकी गाई हुई गज़ल इज़ द मास्टरपीस इन दिस एल्बम, और हमने भी कोशिश की है, मेरे लिए ये पहली एल्बम है जो जिसमें मैंने गज़ल गाई है, मैं काफ़ी बॉलीवुड सिंगिंग में ज़्यादा प्रोमिनेंट हूँ, मैंने क्लासिकल भी सीखा हुआ है, हर तरह के गाने मैं गा रही हूँ आज, पर गज़ल की एल्बम पहली है मेरे लिए। जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि आपने बॉलीवुड सिंगिंग की, आपको ये गज़ल गाते हुए कुछ थोड़ी तकलीफ? नहीं, राविन जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मुझे किस तरह से अल्फाज मुझे बोलने हैं, कहाँ पर किस तरह से मुझे गाना है, तो
थोड़ी तकलीफ हुई पर रावण जी थे तो आसान हो गया, उन्होंने अच्छे से बता दिया मुझे। इस गजल में आपने गाना गया दो लाइनें गुनगुना साथ में, हाँ साथ में गाते हैं। हाँ हाँ मैं नहीं गा रहा हूँ, हम तो सुन रहे हैं। एक काम कीजिए ना, आपको खतरा मोती आता है सबको? हाँ तीनों, थ्री फोर। खतरा मोती नहीं बनता हर बार, ट्वाइस। खतरा मोती नहीं बनता हर बार, दोस्त मौका नहीं मिलता हर बार। खतरा मोती नहीं बनता हर बार। शुक्रिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो एक एल्बम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम अश्क है, और बहुत अच्छी गज़लें हैं जिसको जसविंदर जी ने बहुत अच्छे से गाया है, और मैं बहुत ही बधाइयां देता हूं उनको कि एल्बम बहुत ही अच्छा चले, और दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा हिट हो। सर इस गजल को लेके आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो छह गजल निकाली है इन्होंने जसविंदर सिंह ने? देखिए अभी जिस तरह से हम संगीत का दौर देख रहे हैं उस तरह से वो वेस्टर्न और काफ़ी तरह से म्यूजिक में जा रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मेरा सोचना ये है कि एक म्यूजिक का जो एक सोल है वो पुराने हमारे पुराने गानों से और गज़लों से, जो गुलाम अली साहब हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, सहगल साहब हैं, उन्हीं से आता है सोल, जो होता है संगीत का वही होता है। तो मैं मुझे लगता है कि अच्छा चलेगा और इसका पब्लिक पे रिस्पॉन्स। मैं मनीष पॉल के साथ एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है बन्नड़ा इश्क में बाकी सब रिस्क में, और जो कि हमारी 15 फरवरी से शूटिंग पे जा रही है, जो एक सिचुएशनल कॉमेडी है। ये मनीष की दूसरी पिक्चर होगी, इसके पहले उसने तेरे बिन लादेन 2 करी है और उसके पहले मिक्की वायरस करी है, तो ये हमारी तीसरी पिक्चर हुई और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम इसकी 12 से 15 तारीख तक करेंगे। और इसमें मनीष एक सीधे से लड़के का किरदार निभा रहा है जो कि एक मुंबई की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, और ये एक बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है जिसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, ऋचा चड्ढा जी हैं और उमा कुरेशी हैं, डेजी शाह है, शत्रुघ्न सिन्हा है, तो इंशाल्लाह अच्छी पिक्चर हो और नवंबर में इस पिक्चर को हम रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। सर हैप्पी न्यू ईयर के लिए आपको क्या कहना चाहिए? बस कि इंजॉय करिए और नया साल मुबारक हो, और दुआ करते हैं कि नया साल सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए, अच्छा काम लेके आए, ऊंचाइयों पे लेके जाए।